ग्रीन सरिस्का क्लीन सरिस्का अभियान के तहत युवा जागृति संस्थान और सरिस्का प्रशासन के साथ मिलकर जो हमारे यहाँ स्वच्छारण्य जो अभियान चलाया गया है उसके आज 25वें चरण को पूरा किया गया है, जिसमें TVM स्कूल के जो बच्चे हैं उनका स्टाफ है और उनके जो निदेशक हैं आज मुकेश जी हमारे साथ में हैं। हम जानेंगे कि मुकेश जी यहाँ जंगल में जो पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं और साथ पे यहाँ जो पक्षी इस जंगल में निवास करते हैं उन पे पिछले 2 से 3 साल तक से ये रिसर्च कर रहे हैं। तो स्वागत है सर आज के इस कार्यक्रम में, और हम जानना चाहेंगे कि सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसमें जो वर्ल्ड लाइफ जो वीक अब वर्तमान 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो आयोजित होगा उसमें हम आपके विचार इस मंच के माध्यम से लोगों तक साझा करना चाहेंगे। मुकेश जी धन्यवाद। गोकुल जी, ग्रीन सरिस्का क्लीन सरिस्का का जो अभियान है और आप जो इसके लिए सफाई के लिए जो काम कर रहे हैं, जो कचरा लोग डाल जाते हैं वो आपका जो काम है आपकी संस्था का, ये बेहद खूबसूरत और प्रशंसनीय कार्य है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव प्राणी सप्ताह का ये कार्यक्रम है, जिसमें साफ सफाई से संबंधित कार्य और स्कूल के बच्चों को, आमजन को जो वन्य जीवों के प्रति जागृति आमजन में फैले इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं थोड़ा आपको सरिस्का के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सरिस्का जो अभ्यारण्य है ये अरावली श्रृंखला के का हिस्सा है, और अरावली जो श्रृंखला है हमारी, ये पर्वत श्रृंखला, ये पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये करोड़ों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इस श्रृंखला के अंदर ही सरिस्का टाइगर नेशनल पार्क है, और ये टाइगर नेशनल पार्क भारत के टॉप 5 घने जंगलों में से एक है। यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा धोक के वृक्षों की है, और टाइगर जो कि मांसाहारी जो पशु हैं उनमें सबसे खूबसूरत ये जानवर है और हमारी खाद्य श्रृंखला का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज से लगभग 10-12 साल पहले स्कूल में एक कार्यक्रम था, तो वहाँ मेरे स्कूल के अंदर सरिस्का के पूर्व DFO KL सैनी जी पधारे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये उस समय हमारे सड़क का मामला है जो सरिस्का की वजह से बंद कर दिया गया था। मैंने पूछा कि ये सरिस्का का जो ये जंगल है, जो रोड आप लोगों ने बंद किया है फॉरेस्ट वालों ने, क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि लाखों लोगों का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है, लाखों लोग परेशान हैं, और एक टाइगर के लिए इतना सब कुछ क्यों? तब उन्होंने मुझे बताया, और उस बात को सुन करके मैं बहुत अचंभित हुआ, और उसके बाद मेरी जंगल के प्रति बहुत सी धारणाएं बदल गई। उन्होंने मुझे बताया कि अगर टाइगर जंगल से ख़त्म हो गया, मान लीजिए 100-200 साल टाइगर नहीं रहे जंगल में, तो ये जो हरी भरी पहाड़ियां हम देख रहे हैं पूरी तरह से नग्न हो जाएंगी, जैसे और पहाड़ियां हो चुकी हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि जब ये टाइगर है, जब ये दहाड़ लगाता है या शिकार का पीछा करता है, तो इसके डर से जो शाकाहारी जो ये सांभर जो कि हिरण प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है, चीतल यहाँ है हमारे सरिस्का में, बेहद खूबसूरत हिरण प्रजाति का जानवर है, ऐसे बहुत से शाकाहारी पशु जो इधर उधर दौड़ लगाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे चढ़ते हैं, भगते हैं, तो वो लोग जो धोक जो मेनली इस जंगल का जो मुख्य वृक्ष जो अभी मैंने आपको बताया था कि धोक है, तो ये जो धोक का जो पेड़ है इसके जो बीज हैं उसको शाकाहारी पशु खाते हैं, और वो बीज उनके पेट के अंदर जा करके और उनकी मैंगन के माध्यम से वो गिरता है जमीन पे और उसका पौधा बनता है और वो वृक्ष तैयार होता है। अभी तक भी जंगल के अंदर मतलब इस जानवर के मैंगन के अलावा ये धोक का वृक्ष पौधा अभी तक तैयार नहीं किया जा सका। अब इस बात को सुन करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हमें तो ये लगता था कि भाई टाइगर ठीक है, होगा जैसे और जानवर है वैसे ये भी एक जानवर है, लेकिन उस दिन इस टाइगर की इम्पोर्टेंस मुझे मालूम हुई। उसके बाद से मेरे दिल में इस टाइगर के प्रति अगाध श्रद्धा है कि वास्तव में टाइगर को बचाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर टाइगर नहीं रहेगा तो शायद ये जंगल एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और टाइगर के बाद में यहाँ सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में 2nd नंबर के लेपर्ड सरिस्का के अंदर,
मैं पिछले मैं सॉरी 10 साल की उम्र से इस जंगल में घूम रहा हूँ। मुझे बहुत शौक है जंगल के अंदर जाने का, और 2-2.5 साल से यहाँ के बर्ड्स पे स्टडी कर रहा हूँ। सरिस्का में शायद अभी तक अलवर जिले में किसी ने इन बर्ड्स पे स्टडी की नहीं है। लॉकडाउन का मैंने सदुपयोग किया है और काफ़ी करीब से इन चीज़ों को मैंने समझा। जीव जंतुओं के क्रियाकलाप मैंने देखे, मुझे इतना आनंद आया जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। साफ सफाई का गोकुल जी का जो अभियान है वो तो खैर काबिले तारीफ है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन पेड़ लगाने का अभियान, हमने उदयनाथ जी का एक स्थान है, बहुत नाथ पंथ का पवित्र स्थान है, वहाँ लगभग हम लोगों ने जन सहयोग से बाबा फूलनाथ जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से लगभग 5,000 बरगद के, पीपल के और अर्जुन के वृक्ष पौधे वहाँ लगाए जा चुके हैं, और वो काफ़ी अच्छी तादाद में वो पेड़ हैं। और मुझे लगता है कि शायद राजस्थान का सबसे बड़ा बरगद का वो जंगल जो है वो तैयार होने वाला है। बिल्कुल सर, इस सरिस्का जंगल की जो खूबसूरती है वो हमारे, हम वो कहते हैं ना गांव में कहावत है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। हमारे लोगों को इसकी वैल्यू का कुछ भी पता नहीं, उसी का परिणाम है कि धर्म की जो आस्था है, लोग मंदिरों में जाते हैं वो अपने अपने साथ इतना कचरा लेके जाते हैं, वो पोलोथीन प्लास्टिक इतना ज़्यादा कि अभी ये बच्चे उठा के लाए हों कचरा, कई कई क्विंटलों कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो मैं उन लोगों से ऐसा अपील करना चाहूँगा कि धर्म की आड़ में कृपया करके ये प्रदूषण ना फैलाएं। जो आपने जंगल को इतना गंदा किया हुआ है ये पूरी तरीके से गलत है। आप लोग धर्म नहीं कर रहे, आप अधर्म कर रहे हैं। इन 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 जो जंगली जो लंगूर हैं, ये बंदर हैं, इनको सड़ा गड़ा मैं देखता हूँ कई बार वहाँ बस स्टैंड पे। वो फल फ्रूट वाले भी दो तरह के रखते हैं कि भाई एक अच्छा जो लोगों के लिए और जो खराब जो फल है वो इन लोगों के लिए, जानवरों के लिए। तो मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। मेरा स्पष्ट मानना है कि आपके इस भोजन की इनको कतई ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने इनको इतना दिया है कि कच्चे पत्ते जो खाते हैं, नेचुरल फूड जो अपनी नेचुरल हैबिट्स को ये जानवर ख़त्म कर चुके हैं और ये रोड के किनारे आ जाते हैं। तो मैं तो इसका समर्थन नहीं करता कि हम इनको केले वगैरह या ऐसे सड़े गले फल डालें जिससे ये बीमार हों, और इनडायरेक्टली हम इनके स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। हम खाद्य श्रृंखला का जो ये महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, हम उसको, उस चक्र को हम खराब कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि कृपा करके हम ये काम ना करें। एक तो जंगल के अंदर हम प्लास्टिक बिल्कुल ना लेके जाएं, प्लास्टिक की बोतलें ना लेके जाएं। जंगल का आनंद लीजिए, उसकी खूबसूरती का आनंद लीजिए, उसकी शांति का आनंद लीजिए। ये जंगल ये हमारा है और इसे बचाए रखना ये हम सबकी जिम्मेवारी है। याद रखिए कोरोना काल में थानागाजी के SDM थे नवनीत जी, मेरे मित्र थे, तो उनसे मैंने पूछा कि थानागाजी के अंदर सबसे कम डेथ रेट जो रेट है उसका कारण मैं आपको बताऊं, शायद आपको पता ना हो, क्योंकि ये सरिस्का जंगल है। इस जंगल की वजह से पूरे अलवर जिले में सबसे कम मृत्यु दर कोरोना के अंदर, सबसे कम लोग जो मरे हैं वो थानागाजी के मरे हैं, वो भी कोई पहले से किसी बीमारियों से ग्रसित थे, कोई छोटी मोटी बीमारियों से, वो लोग ही कोरोना की चपेट में आए। उन दिनों मैं लॉकडाउन की वजह से जंगल में घूमता था, तो मेरे जो दोस्त थे जो बाहर थे वो पोस्टेड थे, एक मेरे मित्र थे सुरेंद्र चौधरी जी, एयरफोर्स में हैं वो, तो उन्होंने मेरे वीडियोज वो देखते थे, तो वो बोले कि भाई मुकेश जी आप बड़ा अच्छी लाइफ जी रहे हो यार, हमारे यहाँ तो 50-50 डेड बॉडी रोज निकल रही हैं हमारे इन कॉलोनियों से, हमें तो डर लग रहा है, और आप जंगल के अंदर घूम रहे हो अपने आस पास के एरिए में। मैंने कहा ये तो हमारी किस्मत है कि सरिस्का हमारे पास में है, तो सरिस्का की वैल्यू हम समझें। ये आप, हम लोगों को ये लगता है कि भाई जंगल को बचाना केवल फॉरेस्ट वालों की जिम्मेवारी है, तो मैं कहता हूँ कि बहुत गलत धारणा है हम लोगों की कि ये किसी फॉरेस्ट के कर्मचारी की जिम्मेवारी है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर जंगल नहीं बचेगा तो आप याद रखिए हम भी नहीं बचेंगे, अगर जंगल है तो हम हैं। ये सरिस्का जो अभयारण्य है ये एक तरीके से इस पूरे एरिए का जो फेफड़े का कहे जाते हैं, जैसे अमेजन के जंगल पूरी पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं, तो सरिस्का के जंगल दिल्ली तक भी आपको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ये बात अलग है कि हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, हमें इनकी वैल्यू के बारे में नहीं पता, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं अपील करूँगा कि हम पेड़ों के लिए कुछ ना कुछ नया करें, उनको बचाएं, और नया कर भी ना सके तो कम से कम जो पेड़ लगे हुए हैं उनको तो कम से कम हमें नहीं काटना चाहिए, और कोई काटे तो उसका विरोध दर्ज कराना चाहिए। मेरी आप सभी लोगों से, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे मेरी ये अपील है कि पेड़ों की रक्षा भी ऐसे करें जैसे हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं,
आने वाली पीढ़ी को भी इसके लिए बताएं। और मैं तो स्कूल में बच्चों को अक्सर प्रेरित करता हूं कि अपने जन्मदिन पे या कोई भी घर में शुभ कार्य हो तो एक पौधा हम जरूर लगाएं। मैंने स्कूल में भी पिछले दिनों 500 पौधे तैयार किए हैं और हम लोग प्रेरित भी करते रहते हैं। मैं खुद भी 500 से ज़्यादा पेड़ लगा चुका हूँ अब तक। 10 साल की उम्र में मैंने पेड़ लगाना शुरू किए थे, तो मुझे तो इस जंगल से बहुत प्रेम है। और मैं तो ये चाहूँगा कि हम भी अपने बच्चों को जैसे और संस्कार देते हैं, तो वैसे पेड़ों को बचाने का, जंगल को बचाने का, प्रकृति को साफ रखने का ये संस्कार दें। मैं तो कहीं भी जाता हूँ, जहाँ भी टूरिस्ट पैलेस होते हैं, जंगल हैं, तो मैं वहाँ के लोगों को इस चीज़ के लिए बोलता हूँ कि हमें नेचर का ध्यान रखना चाहिए। कचरा है तो अपने आप कार से सफ़र कर रहे हैं तो अपनी कार में रखें, उसको रोड पर ना फेंकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमारे सरिस्का की महत्ता को बताया। और इस बात के लिए तो मैं सर आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे, यहाँ तक कि आपके दोनों बच्चे लगातार हमारे पहले चरण से और आज 25वें चरण तक लगातार सतत तरीके से वो अपनी मन से कहते हैं ना कि एक तो स्वेच्छा से व्यक्ति जुड़कर और किसी काम को करता है, तो वाक्य में वो संस्कार आपने अपनी आने वाली पीढ़ी में भी दिए हैं। और साथ में आपके स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हमारी सरिस्का के इस महत्वपूर्ण अभियान में जुड़कर और सहयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका और आपके बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं। और विशेषकर राजेंद्र जी का, जो आपके यहाँ विद्यालय में कार्यरत हैं और वो बच्चों के साथ इतने अच्छे महत्वपूर्ण संस्कारों के साथ वो प्रकृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण काम हमारे यहाँ स्थानीय जो हमारा अभ्यारण्य है वहाँ जो रेंजर सर हैं जितेंद्र जी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस अभियान के बारे में। उनकी प्रेरणा से और उनकी पूरी टीम के सतत प्रयासों से ये अभियान 25वें चरण तक पहुँचा है।